Reproductive health. This is the new chapter that we are going to discuss, and this is the first part of this chapter. Reproductive health. So according to World Health Organization or WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. हर एस्पेक्ट में जब वो परफेक्ट होता है कोई भी पर्टिकुलर आपकी सोसाइटी की जो जितने भी पार्टिकुलेट्स हैं यानी सोसाइटी किससे मिलके बनती है पॉपुलेशन से जो हमारी साइज है सो एक सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब होगी तो WHO कहता है कि जब फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो परफेक्टली हेल्दी हों इसके अलावा जो सोसाइटी के पर्टिकुलर्स हैं यानी जो कि उसमें इंटरेक्ट करने वाले पीपल हैं यानी जो रिप्रोडक्टिव एज के पीपल हैं वो इमोशनली सोशली और बिहेवियरली बिल्कुल एकदम हेल्दी इंटरेक्शन रखते हों इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्स रिलेटेड एक्ट्स तब तो वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कही जा सकती है अदरवाइज उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहेंगे भारत में यानी इंडिया में ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि अभी भी सेक्स रिलेटेड जो क्वेरीज हैं या उससे जो हेल्थ हैजार्ड्स हैं या जो उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए काफ़ी कम अवेयरनेस है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेबस में क्लास 12th के सिलेबस में एक पूरा चैप्टर ही इंट्रोड्यूस किया और उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ऐड किया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके सो इन ऑर्डर टू मेक द सिटीजन मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन सम स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स सिटीजन्स especially the students of biology and medical students must be very cautious and must be very exactly aware about the things because you are different from others the student of biology are different from other streams as you are now proposed to be or supposed to be the god on the earth so please be informative be specific and be very polite politeness is one of the best quality of biology student so please be proper now the very first topic of this chapter is the reproductive health problems and strategies what are the problems to india jab free hua tha आज से 70 ईयर्स पहले तो 35 लाख पीपल थे आज 135 लाख है सो दिस इज द प्रॉब्लम यस पॉपुलेशन ब्लास्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो पॉपुलेशन की साइज बहुत मैटर करती है और पॉपुलेशन की वो साइज जो इंडिया में प्रेजेंट है वो या तो प्री रिप्रोडक्टिव है मीन्स द यंग वंस or it is reproductive that is adults means a maximum population is there now going to be involved in sex related aspects so this is the problem and isse bhi badi problem ki india mixture hai bahut sare religious manyataon ka bahut sare religion ke log yahan pe rehte hain and they have their own specific way of living although most of the way of living and their style is perfect but sometimes it is not good as concerned to reproductive health so to make aware all these people government of india launched family planning in 1951 and later on these are modified as reproductive and child health care programs RCH इसका शॉर्टकट है RCH और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है
तो इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट अब करती क्या है कि अब ये ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स एंड एनजीओस एंड इंक्लूडिंग सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू भी होता है, इसको स्प्रेड किया जाता है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा एक्टिव है इस मामले में कि रिप्रोडक्टिव सोसाइटी हो, एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हो इंडिया के पास, ना कि बस अनहेल्दी सोसाइटी हो जिससे कि प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़े, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बिना मतलब के बढ़े। तो इसके बाद स्ट्रेटजीज बनने शुरू हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम्स जब शुरू होती हैं तो स्ट्रेटजीज बननी शुरू होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे वर्क करती है। स्ट्रेटजीज में सबसे पहली स्ट्रेटजी ये आई कि किसी तरह से अगर जो बच्चे पढ़ते हैं अगर उनमें अवेयरनेस लाई जाए तो ये सबसे अच्छा मेथड होगा। तो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसीज बनती रहती हैं और रिन्यू होती रहती हैं, तो ऐसे ही पॉलिसीज जब डिफाइन हुई तो आचार्य रामकृष्ण मूर्ति का जो कमीशन आया उसमें थोड़ा ज़्यादा इसको इन्हेंस किया गया, पुट किया गया, फिर फर्दर और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया। और वहाँ पे स्कूल्स में स्पेशली जो एडल्सन्स की कंडीशन जहाँ से शुरू होती है, जैसे क्लास एट्थ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता सकते हैं बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, फिर उसको क्लास टेंथ में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया। प्रॉपर क्लास ट्वेल्थ में, क्योंकि यहाँ के बाद बॉडी एकदम मैच्योरिटी आ जाती है और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल एट दिस स्टेज आर रिप्रोडक्टिव। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक एन इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर चैप्टर इन क्लास 12th एंड दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजरमेंट दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन in schools also should be encouraged to provide right information to the young one so as to discourage children from believing myths and misconceptions about the sex related acts and problems, kyunki society mein myth zyada hota hai aur children us pe zyada believe karte hain, ठीक है, क्योंकि इमेच्योरिटी है। सो इसीलिए ऐसे कोर्स को अलाउ किया गया, चैप्टर को डाला गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, एंड दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन करना चाहिए और सबसे अच्छा आपके पास एक पोलाइट क्वालिटी होनी चाहिए और अच्छा नेचर होना चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे नेचर के आप इसको और आगे कैरी नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सम अदर स्ट्रेटजीज आर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एटसेट्रा वुड हेल्प पीपल, स्पेशली दोज विच आर इन एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। और ये स्कूल की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा बायोलॉजी टीचर होना चाहिए। आजकल के स्कूल एजुकेशन, सॉरी दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक, बट स्कूल एजुकेशन इज डिफरेंट इन इंडिया। मैथ्स के टीचर से बायोलॉजी की क्लास, बायोलॉजी के टीचर से संस्कृत की क्लास पढ़वा लेंगे और खुश हो जाएंगे कि हमने मैक्सिमम यूज़ किया। सो स्टॉप दिस टाइप ऑफ थिंग्स, प्रॉपरली यूज़ द प्रॉपर नॉलेज ऑफ अ पीपल इन इट्स पर्टिकुलर एरिया, ओके, सो दैट स्टूडेंट मस्ट बी बेनिफिटेड मोर एंड मोर विद इन द सब्जेक्ट। अनदर प्रिकॉटिव मेजर एंड यू कैन से द स्ट्रेटजी इज educating the people, especially those people who are in marriageable life or sexually matured couples, okay, educating people, especially fertile couples or those marriageable age group, about the availability of birth control measurements in the market, okay, as well as the care of pregnant mothers and postnatal care of, yani birth ke baad postnatal care of
mother as well as the newborn baby. Also, you can educate the people about the same chances of male baby as well as female baby. दोनों की सोसाइटी में इक्विवेलेंसी है, दोनों ही ज़रूरी हैं हमारी सोसाइटी के लिए और दोनों के लिए इक्वल चांस है. गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सबको समानता का अधिकार मिला है, इधर मेल और फीमेल. तो इस तरह से एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है. इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना इनिशिएटिव ले सकती है लेती है, बट अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में थोड़े से पीछे. रिसेंट ड्यूरेशंस पास्ट ईयर्स में अभी इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बट स्टिल अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है. तो जो स्ट्रेटजीज़ के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है. हालांकि हमारे पास ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा है, जिसका हम प्रॉपर यूज़ करके वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप जो प्रॉब्लम है उसको हम एक तरह से कंपनसेट कर लेते हैं. सो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स एक्चुअली रिक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव टू अचीव अ पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज. अभी भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे मिल जाते हैं. प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट. अभी कोविड 19 का टाइम चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, इंडिया में भी 7000 से प्लस हो चुका है और अगर इसी तरह से बढ़ा तो स्टेज 3 में आ जाएंगे. तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, ये बहुत ही बुरा होगा. सो प्लीज़ गवर्नमेंट की बात मानिए, घर में रहिए. तो मटेरियल सपोर्ट आते ही दिमाग में कोविड 19 आ गया, क्योंकि मटेरियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम हेल्दी सोसाइटी की बात करते हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी की बात करते हैं. दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू द पीपल इन द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शंस, इनफर्टिलिटी एंड सम अदर लाइक पीरियड मिसिंग्स एंड मिसकैरिएजेस. सो दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड. सो दिस इज सम प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. जो इसके पहले स्ट्रेटजीज थी कि एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को अवेलेबिलिटी के बारे में समझाया जाए, एक फैमिली प्लानिंग की जाए, छोटे छोटे फैमिलीज अगर होते हैं तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सकते हैं, अगर बड़ी फैमिली है तो वो ज़्यादा प्रॉपर मैनेज्ड हो. तो ये स्ट्रेटजी हो गई. और प्रॉब्लम भी हमारे पास है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा है, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, उनके पास अलग अलग माइंडसेट है, उनको समझाने में प्रॉब्लम है. सो ये एक प्रॉब्लम भी है. बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा एक्ट करती है और अभी तक बहुत अच्छा अचीवनेस रहा है, हम बहुत अच्छी अचीवमेंट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा इस पर अब तक अवेयरनेस हो चुका है, कंट्रोल्ड हो चुका है. लेकिन इसके बाद भी एक बहुत ही दुखद कड़ी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस. और उसमें जो फीमेल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है फीमेल, और उसकी फेटिसाइड हो जाती है, यानी उसको पेट में ही मारने की कोशिश की जाती है अलग अलग ड्रग्स का एप्लीकेशन करके. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनियोसेंटेसिस पे एक बैन लगा दिया, स्टेचुअरी बैन लगा दिया है. और ऐसा करने वालों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमनियोसेंटेसिस इस पे गवर्नमेंट ने 100% बैन लगा दिया, क्योंकि इसका यूज करके जो सोसाइटी का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसको काफी डिस्टर्ब किया जाता है और फीटस को किल कर दिया जाता है अगर वो फीमेल है. क्योंकि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो एमनियन कैविटी में क्रोमोसोम्स के अपीयरेंस के थ्रू सेक्स का डिटर्मिनेशन बहुत इजीली किया जा सकता है और उसके लिए किया भी जाता था. अब प्रॉपर हेल्थ की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है.
So it can be used for the checking the development of particular fetus. But इसके दूसरे aspect को देखते हुए government of India ने इसे ban कर दिया और इस पर काफ़ी कड़ी सजा है, 50,000 या 1,00,000 ऐसा कुछ है और 7 years तक नॉन वैलेबल प्रिजन है, जेल जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। सेकंड पार्ट में हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल्स की बात करेंगे और उसके बाद MTP की बात करेंगे, वो भी काफ़ी पूछा जाता है, और लास्ट में इनफर्टिलिटी। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं श्योर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।